देखिए मैंने थाली बजा दिया, लेकिन मुझे यह नहीं लगता है कि थाली बजाने से कोरोना भागेगा। 135 करोड़ का जो देश है, वास्तव में एक हमारा बिहारी भाई है चंद्रभानु, वो कहता है कि भारत 135 करोड़ चूतियों का देश है। मुझे ये लगता है कि वास्तव में कि थाली बजा बजा करके कोरोना भगाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे यह लगता है कि वास्तव में भारत जो है मूर्खों का देश है। लेकिन जो गोबर भक्त है, अंध भक्त है, उनको लगता है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि थाली बजाने से कोरोना भागेगा, तो वो थाली बजा के कोरोना भगा लेंगे। क्योंकि यह इन चूतियों का देश है, इन मूर्खों का देश है, जो आज तक लगातार मंदिरों में जाकर के और मजारों पर जाके, मस्जिदों पे जाके और गिरजाघरों में जाकर के माथा टेकते हैं, और उनको लगता है कि यहीं से हमारी सारी दरिद्रता और सारा दुख दूर होगा। न कि थाली बजाने से भागेगा, गाय का मूत्र पीने से भागेगा और गोबर खाने से नहीं भागेगा। ये थाली बजाना, गौमूत्र का सेवन करना और गोबर खाना, यह केवल पाखंडियों की देन है। पाखंड के चलते आपसे गोबर का गौरी बनाएंगे, गोबर का गणेश बनवाएंगे और आपसे पूजा कराएंगे, आपसे फल चढ़वाएंगे, मिठाई चढ़वाएंगे और आपसे रुपया पैसा चढ़वाएंगे और आपको उल्लू बना के गोबर आपका वहीं छोड़ देंगे और धन को झोली में डाल के चले जाएंगे। इसे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि चक्के की तरह थाली बजाओ और एक थाली ले लो, थाली बजाओ। लेकिन क्या यह जो है 135 करोड़ के इस देश में किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी हमें जो थाली बजा रहे हैं, थाली में हमको राशन चाहिए। कि देश के अंदर जो गरीबी भुखमरी है, यह गरीबी और भुखमरी में हमको राशन नहीं मिल पा रहा।